हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड मी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और उसके बाद ब्ला ब्ला। ये वाले लेक्चर में हम लोग, जैसे मैंने आपको बोला था कि कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ेंगे, बट ये कंटिन्यूटी का लेक्चर नहीं है। मैंने सोचा थोड़ा इतना मोनोटोनस हो गया है डिफरेंशियल करते करते, तो अब थोड़ा सा चेंज और इंटरेस्ट जगाने के लिए लेट्स गो इन इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है रिडक्शन फॉर्मूला। हालांकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं पूछता, बट इनडायरेक्टली इसके एप्लीकेशंस जरूर पढ़ते हैं, यूज आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है रिडक्शन फॉर्मूला। और क्या ये वाला जो चैप्टर है ना, दिस इज अ मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर। मतलब इसको ज्यादा भाव लोग देते नहीं और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। हालांकि मैंने ही अपने 11th में इसको भाव नहीं दिया था। कब 11th आया, कब गया, मुझे आज तक नहीं पता। मैंने तो रिजल्ट भी नहीं लिया था, स्कूल में ही पढ़ा हुआ। तो क्या है रिडक्शन फॉर्मूला, इसका पहले एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। What is the reduction formula? तो a reduction formula is a formula which connects an integral. An integral which cannot otherwise be evaluated with another integral of the same type but of lower degree फॉर्मैलिटी के लिए लिख लीजिए। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, बट जब कोई भी चीज को आप स्टार्ट करते हो तो उसका नाम और सिग्निफिकेंस तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। तो पुट द हेडिंग रिडक्शन फॉर्मूला और इसका डेफिनेशन आप लिख लो। रिडक्शन फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला विच कनेक्ट्स एन इंटीग्रल which cannot otherwise be evaluated with another integral of the same type but of lower degree। ठीक है, so जैसे चैप्टर का नाम है रिडक्शन फॉर्मूला, so we won't be going into derivations of those। इसके डेरिवेशन की जरूरत आपको नहीं है, वो जेई के बच्चे करते हैं तो उनको ही करने दीजिए। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो आपको एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस्ड रहना है रादर देन द डेरिवेशन और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड आपके फॉर्मूलाज हैं, वो सब आपको डायरेक्ट याद रहना। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं और ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको एकदम पूरे रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत काम लगता है भर भर करके। सो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डीएक्स। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाय एन साइन एन माइनस वन एक्स into cos x plus n minus 1 upon n
इंटीग्रेशन साइन एन माइनस टू एक्स डीएक्स। अब आपको ये समझ में आएगा कि जो हमने डेफिनेशन लिखा उस डेफिनेशन वो डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है। देखो यहाँ पे what definition is telling that a reduction formula is a formula which connects an integral which cannot otherwise be evaluated, मतलब उसको directly evaluate करना possible नहीं है, with another integral of the same type but of lower degree। यहाँ पे देखो आपको बोला यहाँ पे degree कितना है, n है, और RHS में कितना दिख रहा है इसका lower degrees n-1, n-2 and so on। इसका application देखिए, इलस्ट्रेशन देखो, सपोज आपको बोला इंटीग्रेशन निकालने के लिए साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, आप क्या करोगे एन के जगह पे टू पुट कर देना। देखो चीजें बहुत सिंपल हैं, मुझे पता है कि चीजें बहुत ही सिंपल है, आप खुद से भी कर सकते हो, बट क्या है कि जनरली प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आप मुझे इतना फ्रेंकली तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपने 11 12th में चीजों को अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 11 12th में चीजों को अच्छे से पढ़ते तो फिर आप कहाँ होते, आईआईटी में होते, ठीक है, आईआईटी में होते, उसके बाद फिर आप अपना हायर एजुकेशन के लिए विदेश निकल पढ़ते, आप यूपीएससी की तैयारी मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर रहे होते अगर आप फॉरन निकल गए होते एक अच्छा सा पैकेज वगैरह सब ले करके वगैरह। यूपीएससी की तैयारी जनरली देखा जाए ना तो लोअर मिडिल क्लास का वो जो हब है दैट गोज इनटू दिस, और हालांकि आईआईटी के सारे जाते ही हैं, बट मेरे कहने का ये मतलब है जो कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो जो ऑलरेडी मान लीजिए बहुत बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप खोल कर लिया, बहुत बड़े बड़े कंपनी खोल लिए हैं, तो वो तो यूपीएससी की तरफ स्विच नहीं होते ना। स्विच कौन होते हैं, जो एक लोअर मिडिल क्लास का जो परिवेश होता है वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये अच्छे से ब्रशअप किया हुआ था तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, अगर लेकिन अभी करना पड़ेगा आप इसको, अगर 11 12th को अगर आपने इग्नोर मार दिया ना तो मैं लिख के दे देता हूँ, साइन करके भी दे दूंगा, मैथ्स ऑप्शन आपके लिए फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने 11 12th को ऐसे ही उड़ा दिया, ठीक है, तो उनके लिए तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, एन के जगह पे टू पुट करोगे तो यहां पर क्या आएगा माइनस वन बाय टू साइन टू माइनस वन कितना होगा वन एक्स cos x plus 2 minus 1 1 upon 2 so 1 by 2 integration। अब यहां पे क्या लिखोगे 2 minus 2 2 minus 2 is 0 sin power 0 anything power 0 is 1, ठीक है, तो sin यहां पे 0 हो गया ना, तो ये तो गायब हो गया। और यहां पे मान लो 3 minus 2 होता तो sin power 1 होता, मतलब sin x होता, लेकिन यहां पे तो 2 है सो 2 माइनस 2 इज 0 सो दिस टर्म इज 1 सो इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्लियर। सो दिस इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस sin x cos x अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x सो प्लस x बाय This is your answer। अब इधर कोई भी आपका इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो ये हो गया आपका आंसर। प्लस सी वर्स सी छोड़ो, उतना तो है पता है। अब देखो यहां पे इस फॉर्मूला से एन की जो मर्जी आप डाल लो निकल जाएगा। अब इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स आ गया ये, अब इसी चीज में सपोज अगर मैं इसका साइन थ्री निकालू तो अगर आपको बोला कि निकालने के लिए इंटीग्रेशन साइन 3x dx डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते ना, क्या करोगे फिर से रिडक्शन फॉर्मूला में आ जाओ। रिडक्शन फॉर्मूला बोल रहा है माइनस वन बाई, यहां पे 3 हो गया ना सो माइनस वन बाई थ्री
माइनस वन बाय थ्री, और यहां पे साइन थ्री माइनस वन मतलब टू, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, फिर किधर इधर कॉस एक्स एन माइनस वन एक्स और कॉस एक्स, यस कॉस एक्स ही है कॉस एक्स, फिर देखो प्लस देना है सो प्लस दे दिया, यहां पे क्या है थ्री माइनस वन टू अपॉन थ्री सो टू बाय थ्री, टू बाय थ्री इंटीग्रेशन साइन थ्री माइनस टू वन, यहां पे थ्री है ना थ्री डाल रहे सो थ्री माइनस टू इज वन सो इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, क्लियर है। अब ये क्या होगा माइनस वन बाय थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस टू बाय थ्री इंटीग्रेशन ऑफ साइन साइन एक्स क्या होता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स सो दिस इज माइनस कॉस एक्स। अब अंदर कोई भी इंटीग्रेट का टर्म नहीं है सो दिस इज योर आंसर, आ रही बात समझ में। अब थोड़ा एक स्टेप और आगे जाते हैं, आपको बोला इंटीग्रेशन निकालने के लिए साइन 4x dx का क्या करोगे, फिर से उसमें आ जाओ सो माइनस वन बाय एन है सो माइनस वन बाय फोर आएगा, साइन यहां पे क्या देना है एक पावर कम हो जा रहा है सो एक पावर कम हो जाएगा, साइन क्यूब x हो गया, कॉस एक्स का कॉस एक्स ही रहना है, यहां पे देखो थ्री था तो टू हो गया, फोर था थ्री हो जाएगा, फिर इधर देख यहां पे देखो फोर माइनस वन थ्री अपॉन फोर सो थ्री बाय फोर, सो थ्री बाय फोर इंटीग्रेशन साइन फोर माइनस टू दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, क्लियर है। सो अब इसको आ जाओ माइनस वन बाय फोर साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस थ्री बाय फोर, अब इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स हमने ऑलरेडी निकाला है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज दिस सो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स बाय टू सो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू, देख रहे हो कैसे चेन के तरह ये बनता चला जाना है। अब आपको बोला कि साइन फाइव एक्स निकालो तो साइन फाइव एक्स निकालने के लिए फिर से भाई ये फॉर्मूला लगाओगे, करते 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 यहां तक पहुंचोगे साइन फाइव एक्स निकालने में, यहां पे फिर आपको क्या आ जाएगा साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स निकालने के लिए फिर से आप वो फॉर्मूला लगाओगे और इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो कितना काम का चीज है ये रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अगर सपोज गलती से अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया तो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और इस फॉर्मूला से चीजें निकालनी है, सो यू नीड टू मग इट अप, इसको आपको रट लेना है। ये रहा पहला फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला लिखते हैं, अब आपको इलस्ट्रेशन समझ में आ गया, मैं सबका इलस्ट्रेशन अब नहीं दूंगा फॉर्मूला से लिखवा दूंगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉस, देखो किताब से आप पढ़ सकते हो कोई दिक्कत है नहीं, पढ़ो आप किताब, लेकिन लेक्चर में क्या है काफी कंसाइज करके छांट छांट के उतना ही कराया जा रहा है जितना रिक्वायर्ड है। आप पूरा पोथा पत्री आप देखो ना, लाखों किताब है, आप कितना पढ़ोगे, पढ़ते रहो फिर। प्लस एन माइनस वन अपॉन एन
इंटीग्रेशन कॉस एन माइनस वन सॉरी एन माइनस टू एन माइनस टू एक्स डी एक्स इज द सेकेंड रिडक्शन फॉर्मूला. इसके बाद आता है नंबर थ्री जिसको बोलते हैं वालीज फॉर्मूला. क्या बोलते हैं? वालीज वल्ली. वालीज फॉर्मूला इसको बोलते हैं वालीज फॉर्मूला. सो वालीज फॉर्मूला सेज इंटीग्रेशन साइन एन एक्स है जीरो से लेकर के पाई बाय टू इज इक्वल टू एन माइनस वन बाय एन एन माइनस थ्री बाय एन माइनस टू एन माइनस फाइव बाय एन माइनस फोर डॉट 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 टू बाय थ्री डॉट वन. और यही चीज जीरो से लेकर के पाई बाय टू एक और लिखी है साइन एन एक्स या फिर डी एक्स ऑफ कोर्स इज इक्वल टू एन माइनस वन बाय एन इंटू एन माइनस थ्री बाय एन माइनस टू एन माइनस फाइव बाय एन माइनस फोर 5 by n minus 4 dot 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 1 by 2 into pi by 2. अब ये डिपेंड करता है कि n आपका इवन है या ऑड है. सो n इज इवन तो ये हालत होगी और n इज ऑड तो ये हालत होगी. उल्टा लिख दिया मैंने सॉरी n इज ऑड एंड n इज इवन. n इज ऑड n इज वैसे ये याद रखना है आपको कि वालिस फॉर्मूला में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स निकालते हैं तो आपको ये मिलता है जब एन इज ऑड और ये वाला एक्सप्रेशन मिलता है जब एन इज इवन. सेम रिजल्ट आपको कॉस इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स के लिए भी यूज हो सकता है. अब इसका इलस्ट्रेशन मैं दिखा देता हूं कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे. जैसे आपको निकालना है इंटीग्रेशन साइन 7x dx और 0 से लेकर के pi by 2 और एक ले लेते हैं 0 से लेकर के pi by 2 इवन का ले लेते हैं लेट्स से साइन 8x dx. ओके तो यहां पे देखो n अगर ऑड है तो इसका मतलब n माइनस वन यहां पे दिख रहा है n माइनस वन n माइनस थ्री एन माइनस फाइव फिर टू फिर वन. इसका मतलब ऑड पावर्स को माइनस करते चले जाना है और नीचे में पहला है n माइनस वन और नीचे में जो है वो यही चीज रहता है. सेकेंड स्टेप से इवन पावर्स माइनस करती. याद करने का तरीका क्या है? ऊपर में न्यूमरेटर में माइनस वन मतलब ऑड पावर्स यहीं से माइनस करते चले जाना है
और यहाँ पे इवन पावर्स मतलब माइनस जीरो माइनस टू माइनस फोर करते चले जाना है, ठीक है, और लास्ट में टू बाई थ्री और वन तक पहुंचोगे ही, ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। तो देखो यहाँ पे आपको बोला सेवन यूज करने के लिए ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे न्यूमरेटर में ऑड पावर्स को माइनस करते जाना है, तो सेवन माइनस वन है, फिर सेवन रन है, तो सेवन माइनस थ्री है, नीचे में सेवन माइनस टू, सेवन माइनस फोर है, सेवन माइनस सॉरी यहां पे फाइव होगा, ये लिख दिया हमने, फिर यहां पे क्या आएगा सेवन माइनस वन बाय सेवन, सेवन माइनस थ्री बाय टू, सेवन माइनस फाइव बाय सेवन माइनस फोर, उसके बाद इसमें भी देखो एट माइनस वन बाय एट, एट माइनस थ्री बाय एट माइनस टू, एट माइनस फोर बाय अरे एट माइनस फाइव ना, एट माइनस फाइव बाय एट माइनस यहां पे फोर आएगा, फिर एट माइनस सेवन आएगा, और यहां पे एट माइनस सिक्स आएगा, वन बाय टू आया, और वन बाय टू उसके बाद फिर मैंने उल्टा कर दिया, वन बाय टू के लिए एन इज इवन के लिए। टू बाई थ्री इंटू वन वेन एन इज ऑड, और इवन के लिए वन बाय टू और फिर पाई बाय टू यहाँ पे, एंड दिस इज एन माइनस वन एन माइनस थ्री एन माइनस फाइव, यहाँ पे भी एन माइनस वन एन माइनस थ्री एन माइनस फाइव, ओके जो ऑड आएगा तो लास्ट में टू बाई थ्री वन है, यहाँ पे भी ऑड है तो लास्ट में टू बाई थ्री, और यहाँ पे टी आ गया टू, और यहाँ पे थ्री, यहाँ पे वन आ गया, और यहाँ पे वन बाई टू आ गया, तो यहाँ पे आप कर दो फाइव बाई टू। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिलेगा, सेवन माइनस वन दैट इज सिक्स बाई सेवन इंटू फोर बाई फाइव इंटू टू बाई थ्री इंटू वन। कुछ कटने वाला है क्या, काट सकते हैं यहाँ पे, थ्री टू जा सिक्स, चार दूनी आठ दूनी सोलह अपॉन सात पचे पैंतीस, ये बन गया सिक्सटीन बाय थर्टी फाइव इज द आंसर फॉर दिस साइन सेवन एक्स, और यहां पे सेवन बाय एट इंटू फाइव बाय सिक्स इंटू थ्री बाय फोर इंटू वन बाय टू इंटू फाइव बाय टू। कैंसिल होने वाला कोई चीज है, थ्री टू जा सिक्स, सात पचे पैंतीस, थर्टी फाइव बाय आठ दूनी सोलह चौकी चौसठ दूनी वन ट्वेंटी एट, वन ट्वेंटी एट इंटू टू दो सौ छप्पन, वन ट्वेंटी एट इंटू टू दो सौ छप्पन, और ये फाइव बाई, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। तो ऑड में भी निकालने सीख लिया हमने और इवन में भी निकालने के लिए सीख लिया, तो ये था आपका वॉलीज फॉर्मूला, वॉली वॉली वाली की फॉर्मूला। आपको अब पूछोगे कॉस के लिए क्या होता है, तो थर्ड फॉर्मूला आप रखो, थर्ड कि इंटीग्रेशन कॉस एन डीएक्स आप जीरो से लेकर के पाई बाई टू पे अगर करते हो तो सेम चीज निकलता है जो साइन के लिए निकलता था, जीरो से लेकर के पाई बाई टू। तो जितने मैं नंबर करके आपको रिजल्ट्स निकाल दे रहा हूं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी सॉल्व करने के लिए, ओके। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला पे, नंबर फोर,
10 पे आ जाएगी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टेन एक्स मैं छांट छांट करके करा दे रहा हूं सारा ताकि आपको हैवी ना लगे, जितने नोट में आपको लिखेंगे उतना ही आपको चाट के जाना है, मतलब चाटते रहिएगा काम लगेगा। इज इक्वल टू टेन एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन टेन एन माइनस टू एक्स डीएक्स। ठीक है, ये रहा आपका टेन का, कॉट का लिखते हैं इंटीग्रेशन कॉट एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन cot n minus 2 x dx। अब देखिए सब चीज का इलस्ट्रेशन देने का कोई मतलब नहीं, आप उतने तो समझदार हो या कैसे कर सकते हैं, आपके n की वैल्यूज आप कुछ भी डालो आपको ये सब चीज तो मिल ही जाएगा। फिर बचा sec का और cosec का, तो 5 नंबर हो गया 6 नंबर का इंटीग्रेशन sec n x dx, नंबर 7 cosec n x dx। सो sec n x dx दिस इज इक्वल टू sec n माइनस 2 x tan x upon n minus 1 plus n minus 2 upon n minus 1 integration sec n minus 2 x dx। फिर इसके लिए लिखेंगे minus cosec n minus 2 x cot x upon n minus 1 plus n minus 2 upon n minus 1 integration cosec n minus 2 n minus 2 x। ठीक है, सो दिस इज cosec n x। बट सो ये निकल गया आपका 6 का और 7 का। एक और फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला है आपका 8 नंबर इंटीग्रेशन sin mx cos nx dx। अब इसी चीज को ना आप जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हो, ये जो i हमने लिखा इंटीग्रेशन पहले m है और इधर n है, मतलब sin का पावर m है और cos का पावर n है। सो यहां पे आपका ये आ जाएगा माइनस sin m minus 1 x into cos n plus 1 x upon m plus n plus m minus 1 by m plus n I m minus 2 comma n। अब इसी से आप चीजों को जनरलाइज करते रहो। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है तो ये दिखा देता हूं। देखिए
इलस्ट्रेशन, आपको बोला निकालने के लिए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है ये वाला, तो आप इसमें पुट करोगे m के जगह क्या है 2, कंपेयर m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहां पे दिस इज नथिंग बट i आ गया क्या 2,1, i 2,1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस साइन 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो साइन x cos 0 यहां पे सॉरी n की वैल्यू 1 है, सो cos 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 1 3 प्लस 2 माइनस 1 1 है और नीचे में 3 है, सो 1 अपॉन 3 है, और i m की वैल्यू क्या है 2, i m की वैल्यू 2, सो i m की वैल्यू देखो i m n का मतलब ये होता है, सो i m माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2 0, तो ये साइन 0 ये गायब, सो इंटीग्रेशन आपको किसका करना है इंटीग्रेशन cos n का करना है, सो यहां पे दिस विल बी सिंपली इंटीग्रेशन cos n x dx आ गया ना, और इसका रिडक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा है क्या है n की वैल्यू मतलब 1 है, n की वैल्यू तो 1 है, तो cos x का इंटीग्रेशन यहां क्या आ गया cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, तो इसको हटा करके हम सिंपल करते हैं sin x बन गया, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज दिस, देखो एक लाइन में बन जा रहा है इससे इस रिडक्शन फॉर्मूला की मदद से, वरना आप ऐसे तो इंटीग्रेट कर ही सकते हो सब्स्टिट्यूशन वगैरह ले ले करके, बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टिक कर रहे हैं रिडक्शन वाले तरीके पे, सो ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, तो इससे हमें रिडक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल समझ में आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन लिखिए, राइट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2 डीएक्स, इसको आप देखो कर सकते हो जैसे आपका दिमाग क्लिक करे कर सकते हो, अब रिडक्शन फॉर्मूला जो हम लोगों ने सीखा उसका आप इस्तेमाल हम लोग करना सीखेंगे कि आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस कितना ज्यादा है इस चीज में, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन करने के लिए जब कभी भी आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा दिमाग में क्लिक करना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब कभी भी आए आपको आंख मूंद करके सब्स्टिट्यूशन याद रख लेना कि x को मान लेते हैं लेट्स से tan थीटा, क्यों बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, सो ये सब्स्टिट्यूशन हमारा बहुत काम का है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, अगर x की वैल्यू tan थीटा है दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, so dx is equal to d d tan theta is sec square theta, so this is sec square theta d theta, correct, so integration of 1 plus tan square theta 1 plus tan square theta whole to the power, अब power में क्या है यहाँ पे 3 by 2 डाल दीजिए, dx के जगह पे क्या लिखोगे sec square theta d theta कर देंगे, so integration of 1 plus tan square theta is sec square theta, power में क्या कर दोगे 3
थ्री बाय टू कर दो, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, मैं यहां से लिख दे रहा हूं, इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा, sec 3 और इधर sec 2, टोटल 3 प्लस 2 5, सो इंटीग्रेशन sec 5 थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन sec n थीटा जो है उसका आपको क्या करोगे, फॉर्मूला sec यहां पे देखो इसी से बना देते हैं, यहां पे m की वैल्यू है 5, तो इंटीग्रेशन sec 5 थीटा d थीटा इज इक्वल टू, n की वैल्यू 5 डालनी है तो यहां पे क्या हो जाएगा, sec 5 माइनस 2 3, सो दिस इज sec क्यूब थीटा फिर tan थीटा अपॉन 5 माइनस 1 इज 4 प्लस 5 माइनस 2 इज 3, 5 माइनस 1 इज 4, इंटीग्रेशन 5 माइनस 2 इज 3, सो sec क्यूब थीटा डी थीटा। ये sec 5 थीटा के लिए आ गया है, अब इसी चीज को हम वहां पे कॉपी कर देते हैं, sec क्यूब थीटा tan थीटा बाय 4, sec क्यूब थीटा tan थीटा बाय 4, ये आ गया ना, आगे करते हैं। सो बेसिकली आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ sec 5 थीटा डी थीटा, और इसका वैल्यू क्या आया, sec क्यूब थीटा tan थीटा बाय 4, देखो sec क्यूब थीटा tan थीटा बाय 4 प्लस 3 बाय 4 इंटीग्रेशन sec क्यूब थीटा प्लस 3 बाय 4 इंटीग्रेशन प्लस 3 बाय 4 इंटीग्रेशन sec क्यूब थीटा d थीटा, क्या है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम अलग से निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन sec क्यूब थीटा d थीटा इज इक्वल टू mn की वैल्यू 3 के लिए निकालेंगे, n की वैल्यू 3 के लिए निकालेंगे, सो n की वैल्यू 3 के लिए क्या हो जाएगा, sec 3 माइनस 2 दैट इज 1, सो sec थीटा tan थीटा बाय 3 माइनस 1 2, सो sec थीटा tan थीटा बाय 2, sec थीटा tan थीटा बाय 2, sec थीटा tan थीटा बाय 2, sec थीटा tan थीटा बाय 2 प्लस प्लस में sec वाला फॉर्मूला में 3 डालना है, so 3 minus 2 is 1, 3 minus 1 is 2, so 1 by 2 integration sec theta d theta, huh? Integration sec theta d theta, yeah, 3 minus 2 1 hai, so 1 by 2 integration sec theta d theta, 1 by 2 integration sec theta d theta. आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा क्या होता है, log sec थीटा प्लस tan थीटा, सो इंटीग्रेशन sec क्यूब थीटा d थीटा इज इक्वल टू sec थीटा tan थीटा बाय 2 प्लस 1 बाय 2 log sec थीटा प्लस tan थीटा, ये आपका इंटीग्रेशन sec क्यूब थीटा। अब इसी चीज को यहां पे पुट कर देंगे, सो इंटीग्रेशन sec 5 थीटा हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec 5 थीटा d थीटा इज इक्वल टू sec क्यूब थीटा tan थीटा बाय 4 sec क्यूब थीटा tan थीटा बाय 4 और इधर 3 बाय 4 प्लस 3 बाय 4 इंटीग्रेशन sec क्यूब थीटा, मतलब ये सो sec थीटा tan थीटा बाय 2 sec थीटा tan थीटा बाय 2 sec थीटा tan थीटा बाय 2 और 1 बाय 2 log sec थीटा प्लस tan थीटा, 1 बाय 2 ये पूरे पे आएगा, log sec theta plus
टेन थीटा, ये पूरे पे आ गया। लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। आपका अजम्पशन क्या था? हमारा अजम्पशन था एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब जहां कहीं भी आपको टेन थीटा दिखेगा वहां पे आपको एक्स पुट कर देना होगा। तो ये तो आपका इंटीग्रेशन जो आपका क्वेश्चन था वही है, इसी को हमने थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब वापस आपको एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, सो आप क्या करोगे, टेन थीटा अगर ये है तो आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इधर भी आप वन को ऐड कर दो, इधर भी आप वन को ऐड कर दो, सो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, सो sec स्क्वायर थीटा इज वन प्लस एक्स स्क्वायर, सो यहां से sec थीटा क्या आ जाएगा, इसका रूट, सो रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan थीटा x है सो tan थीटा के जगह पे x डाल देंगे, sec थीटा के जगह पे ये डाल देंगे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे हम, तो इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको चलो sec क्यूब थीटा करना है तो इसके पावर में कर देना है, सो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब है ना, सो पावर 3/2। tan थीटा मतलब x अपॉन 4 कर देना है, यस प्लस 3/4 अंदर में sec थीटा tan थीटा, मतलब ये इंटू ये x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय नीचे में कर दीजिए 2 प्लस 1/2 log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा करना है, तो sec थीटा मतलब ये और tan थीटा मतलब ये, सो x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट तो इसका बंद करेंगे log वाले का, फिर इसका बंद, ये तो देखो फाइनली आपका ये निकल गया इंटीग्रेशन, सो दिस इज द आंसर, समझ रहे हो? तो ये वाला क्वेश्चन आपका था थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, देखने में इम्पॉसिबल सा कि कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो भाई कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, थोड़ा डिफिकल्ट है, हाउ टू इंटीग्रेट दिस, पता नहीं कैसे करेंगे इंटीग्रेट, तो उसको हमने क्या कर दिया, रिडक्शन फॉर्मूला की मदद से आंसर निकाल दिया। आई होप ये वाला आंसर आपको समझ में आया होगा। इससे आप तो देखो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/2 को बाहर ले लो, 3/2 कर दो, 3/8 कर दो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो, इस चीज सिंपल है। गुड, एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और मजा आएगा इस चीज में, इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी थीटा, क्वेश्चन इज सॉल्व इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन साइन 4 थीटा बाय 2। साइन 4 थीटा बाय साइन 4 थीटा, ये क्वेश्चन है, देखने में क्या अटपटा टाइप का है बट हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आसान है। कैसे सॉल्यूशन देखो, रेसिप्रोकल क्या होता है नीचे में, तो ये तो फॉर्मूला हमने सीखा नहीं, हमने तो कुछ और ही सीखा था है ना, डायरेक्ट तो ये, तो ये 1/2 है, तो 1/2 है तो इसका मतलब कोसेक है, सो इंटीग्रेशन ये क्या है, कोसेक 4 थीटा बाय 2 डी थीटा। लेकिन हमने तो ये भी तो नहीं सीखा, हमने तो सीखा था कोसेक n थीटा डी थीटा, ठीक है,
ये बाइडू तो बेकार का चीज है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, यहां पे मान लेंगे लेट ये जो थीटा है ना, इसको आप 2x मान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो यदि हम थीटा को 2x मानते हैं तो डी थीटा क्या हो जाएगा, 2dx होगा, करेक्ट। अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 4, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 2x, नीचे क्या है 2, डी थीटा की जगह क्या है 2 है dx, करेक्ट। अब क्या करोगे, इसको और इसको उड़ा दीजिए, 2 बाहर चला आएगा, सो दिस इज इक्वल टू, ये तो 2 बाहर चला गया ना, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos cosec 4 x dx। अब आसान हो गया, अब इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं, सीखे हैं ना, सो आपका टास्क है इसको आप यहां से प्रोसीड करोगे, यहां से आप प्रोसीड करोगे और इसको आप सॉल्व कर लोगे। सो रिडक्शन फॉर्मूला में इतना ही सीखना था और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इसीलिए मैं सिर्फ उतना ही करा रहा हूं जितना जरूरत है। अब इसी का एप्लीकेशन आपका गामा फंक्शन बीटा फंक्शन में काफी जबरदस्त तरह से आएगा और वो आपके सिलेबस में तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये वाले हो गए, और भी रिडक्शन फॉर्मूलाज हैं वो भी मैं लिखा ही देता हूँ, तब हम लोग आगे होमवर्क क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये रहा आपका, कितने फॉर्मूलाज हो गए, 8 हो गए ना, 8 नंबर हमने करा दिया। अब चलो 8 रिडक्शन फॉर्मूलाज हो गए, और कुछ भी और स्टैंडर्ड हैं रिडक्शन फॉर्मूलाज के, उसको भी आप लिख लो। नाइन नंबर लिखिए, अगर आपको दिया है इंटीग्रेशन साइन एम एक्स कॉस एन एक्स 0 से लेकर के पाई बाय 2, तो सबसे और आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, डायरेक्ट आप याद रखो m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 5 डॉट डॉट डॉट, ये तो होता ही रहेगा n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5 डॉट 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 डॉट, इस तरह से डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 डॉट 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 इंटू कर देना है आपको के से, अब वेयर के इज पाई बाय 2 इफ एम एंड एन आर बोथ इवन, इफ एम एंड एन आर बोथ इवन। और k की वैल्यू है 1 अदरवाइज, तो ये मेन फॉर्मूला है। अब इसी से आप क्या बोलते हैं ना, उसको इंडिविजुअल इंटीग्रेशन साइन एम एन एक्स 0 से पाई बाय 2 यहाँ पे dx है, या इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स 0 से पाई बाय 2 और डिराइव कर सकते हो। तो ये सजेशन है कि आप इसको याद रखो कि दोनों ही अगर इवन है तो लास्ट में पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर दोनों में से कोई ऑड हो गया तब k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर 9 हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला,
नाइन नंबर हो गया, लेट्स राइट नंबर टेन, टेंथ है इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर ऑफ एन साइन एम एक्स. अब यहां पे एम क्या है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में, सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर ऑफ एन कॉस एम एक्स अपॉन एक्स सॉरी अपॉन एम अपॉन एम. प्लस एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर साइन एम एक्स माइनस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन माइनस टू साइन एम एक्स डीएक्स. नंबर 11 इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर ऑफ एन कॉस एम एक्स इज इक्वल टू डीएक्स. डीएक्स हर जगह ही है, सो इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ एन एक्स साइन एम एक्स अपॉन एम प्लस एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन कॉस एम एक्स अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स एन माइनस टू कॉस एम एक्स डी एक्स. हो गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए. कुछ और करना नहीं है, सारे इलस्ट्रेशंस मैंने तो ऐसे कराई दी हैं. तो नंबर 12 बस मैं लेक्चर में एक तरह का समराइज कर रहा हूँ, क्योंकि आप नोट तो साथ में बना रहे हो ना, तो सारा चीज आपका एक जगह रहेगा, तो फिर आपको फिर बाद में परेशानी नहीं होगी, आपको किताब उताब खोलने की जरूरत भी नहीं होगी. नेक्स्ट है इंटीग्रेशन एक्स साइन एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एन साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एन एक्स अपॉन एक्स अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन अपॉन बाय एन. फिर यहां पे आप लिख सकते हो आई एन माइनस टू, ठीक है. और आई एन माइनस टू आई ये आई एन है, ये जो दिस इज आई एन, तो आई एन माइनस टू का मतलब एक्स साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक है. नंबर 13 इंटीग्रेशन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स अपॉन एन प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन अपॉन एन और यहां पे आई एन माइनस टू. नंबर 13 हो गए.
नंबर 14 लिखिए। नंबर 14 इंटीग्रेशन। To the power of ax sine n bx sine n bx dx and this is equal to e to the power of ax upon a square plus n square b square a sine n bx minus n b sine n minus 1 bx cos bx plus n into n minus 1 on a square plus n square b square I n minus 2. Number 15 integration. I know काफी boring चल रहा है class, but number चाहिए तो करना ही पड़ेगा, कोई option है नहीं. Cos n dx. हर class interesting हो, हर class समझ में आए जरूरी थोड़ी है. चीजें याद करने वाली भी होती हैं, बोरिंग भी होती हैं। a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसमें है क्या? मैं फॉर्मूला से ज्यादा और क्या कराऊं क्या? तो फॉर्मूला दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप बोलोगे सर तो आप फॉर्मूला दिखाते ही नहीं, हड़बड़ा से कुछ भी कर देते हो, तो वो तो नहीं करूंगा, स्लो ही चलना है, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। साइन bx cos n minus 1 bx और बोलोगे सर इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूले याद कैसे रहेंगे? देखो मल्टीपल टाइम्स लिखोगे बार 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 बार, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो एग्जाम नहीं दे रहा हूँ ना, आपको देना है तो आपको मल्टीपल टाइम्स लिखने होंगे। प्लस n स्क्वायर b स्क्वायर और i n माइनस ठीक है। सो यहां पे लिख दो कि आई शुड वी शुड नॉट यूज दिस फॉर्मूला इफ एन इज स्मॉल, मतलब एन इज स्मॉल कहने का मतलब बहुत ज्यादा छोटा होगा तब यूज नहीं कर पाएंगे मतलब, लेकिन ये 14 15 आपका ये हो गया अलग टाइप का। फिर आता है एक दो और बचे हैं, वो थोड़ा सा पेशेंस और पेशेंस जरूरी नहीं छोड़ दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड। आपका पहले वाले जितना मैंने बताया है उसी से आपका काम चल जाएगा, उसी से ये डेरिवेशन है सारे, अननेसेसरी हम लोग इसको नहीं करेंगे, फालतू की चीजें फालतू की क्वास डूइंग दैट, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक्चुअली अब एक प्रॉब्लम कर ले, प्रॉब्लम में होमवर्क दे दे रहा हूँ आपको, एक होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस अब जो पार्ट है ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन इज इवेलुएट इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के पाई बाय फोर। अब घबराना मत सर, ये पाई बाय फोर क्यों दे दिया, दिमाग लगाओ हो जाएगा। साइन फोर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन जीरो से a
एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एंड द लास्ट इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी एक्स टू द पावर ऑफ फोर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ फोर होल टू द पावर ऑफ फोर। बस डन डन डन। तो एक चैप्टर और भी हमारा कंप्लीट हो गया। दीज आर योर होमवर्क्स, आप लोग प्लीज इसको सॉल्व करिए। आप लोग होमवर्क सॉल्व नहीं करते हो, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं यार, इतने सारे रहते हैं, बस दो चार ही सॉल्यूशंस चेक करवाते हैं, बाकी सब पता नहीं क्या करते हैं, सोच रहे हैं क्या खुद से कर लेंगे या बाद में कर रहे हैं। देखो एक्टिव नहीं रहोगे, बाद में सोचोगे ना, तो कभी नहीं है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। अभी छोड़ दिया मतलब वो हमेशा के लिए छूट जाएगा, ये फैक्ट बात है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैं अपना गेट का तैयारी कर रहा था तो मैंने इतने कोर्सेस ये ले लिया वो ले लिया, ये पढ़ लूंगा वो पढ़ लूंगा, अच्छा ठीक है ऐसा ऐसा करके कर लिया, आज तक नहीं पढ़ पाया। एक कोर्स एक्सपायर हो गए, पाइल अप होता चला गया, पढ़ नहीं पाया वो, ठीक है। अल्टीमेटली क्या काम आया कि जो कुछ भी मैंने जहां से भी जितना कैचअप किया था बस उससे ही किया, तो निकल गया बस, ठीक है। बस इतना ही है, तो आप ध्यान रखिए इस चीजों को, क्योंकि आप पाइल अप चीजों को करते रहोगे ना तो फिर वो पाइल अप ही होती रहेंगी। तो लिव इन द प्रेजेंट, आप सोचो तो बाद में हम कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है, अब नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने आज का लेक्चर समाप्त किया है, मिलते हैं हमसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।